सबसे कुछ ही देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 को पेश कर दिया है। लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश हुआ जिसमें जाहिर तौर पर फोकस महंगाई दर को लेकर 6.8% रहने का अनुमान जताया गया है। इस आर्थिक सर्वेक्षण में ये आर्थिक सर्वेक्षण जो अब से कुछ ही देर पहले पेश किया गया इसमें 7% विकास दर का अनुमान जताया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले 8 माह में पूंजीगत निवेश पर जोर रहेगा। दूसरा ओवर से 21-22 के लिए विनियोग सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 1 फरवरी 2023 की अनुमति से मैं सदन के पटल पर निम्नलिखित पत्रों को सदन के पटल पर रखती हूं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के मुख्य अंश और आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के सांख्यिकीय आंकड़े सदन के पटल पर रखते हैं। रुचिका भगत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचिका, जिस तरीके से लगातार जीडीपी की बात की जाती है, ग्रोथ रेट की बात की जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो लगातार डिस्कशन में भी सामने आ रही है, मेक इन इंडिया पर फोकस और आत्मनिर्भर भारत को लेकर फोकस, ये तमाम चीजें आज आर्थिक सर्वेक्षण में साफ कर दी गई है। सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 1 फरवरी